हाय दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में स्वर्ण युग की इस क्लास को हम आज आगे बढ़ाएंगे लेक्शन नंबर ट्वेंटी करेंगे लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी दोस्तों थोड़ी तबियत खराब थी इस चक्कर में सेशन में पांच क्वेश्चन के आसपास ही हम लोगों ने किए थे वर्ड्स के वो क्वेश्चन थे रेस्ट ऑफ आज हम करेंगे वो 30 वो टॉप टॉप जो वर्ड्स को लेकर बनते हैं तो मेरे साथ आप सभी लोग एकदम लगातार लगे रहना और हर एक क्वेश्चन को स्पीड से करेंगे मेरे साथ में ठीक है तो पांच क्वेश्चन दोस्तों मैंने करा दिए थे मैं क्वेश्चन नंबर छह से कराऊंगा तो वो आप मेरे साथ करना क्वेश्चन नंबर छह से वन टू थ्री फोर हो गया ये रहा अपने सामने फाइव ठीक है

ठीक है सब लोग रेडी है तो मुझे बोले यस सर गुड आफ्टरनून एवरी आप सबका स्वागत है दोस्तों mm -hmm. एप्लीकेशन में एक क्लास नहीं 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 शो हो रही थी कोई बात नहीं, कोई बात बात होता है कई बार लेकिन अब तो शो हो रही होगी ना कोई दिक्कत नहीं है चलो वन बाय वन करेंगे हर एक क्वेश्चन को सो फॉर दिस क्वेश्चन मैं आपको टाइमर देता हूं ये रहा टाइमर थर्टी सेकेंड में जवाब देंगे एवरीवन चलो देखो और जवाब दो क्वेश्चन नंबर सिक्स को बस टाइम इज 20 सेकेंड का ही क्वेश्चन था हम इसे पढ़ के देखेंगे देखो दोस्तों कैसे बना ठीक है देखो हमने देखा द सेक्टर फॉर बेटर हेल्थ केयर एंड स्टेनिंग द एजुकेशन प्रपोजल्स विल इंप्रूव वेलबींग वेलबींग इंप्रूव कर देगा तो क्या इंप्रूव कर देगा जो प्रपोजल अगर सेक्टर की जगह प्रपोजल आ जाए कि जो ये प्रपोजल है दोस्तों वो इंप्रूव कर देगा कि अगर ये प्रपोजल पहुंच जाए यहां पर बड़े ध्यान से देखना द प्रपोजल फॉर बेटर हेल्थ केयर ये जो प्रपोजल है बेटर हेल्थ केयर के लिए एंड और किसके लिए तो जैसे आपने देखा फॉर लिखा है तो आगे प्रीपोजिशन है तो या तो नाउन आता है जैसे हेल्थ केयर है नाउन नहीं होगी तो वर्ब में आईएनजी आएगा तो यहां एंड के बाद वर्ब, है, वर्ब में आईएनजी लिखा है बिल्कुल ठीक है तो हमने देखा दी प्रपोजल्स फॉर बेटर हेल्थ केयर स्ट्रेडनिंग दी एजुकेशन सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रेडन करना विल इंप्रूव वेल बींग ये वेल well बींग को इंप्रूव करेगा यानी कि यह वाला आपका बन गया वेल well बींग का मतलब है किसी भी चीज के अच्छे होने को इंप्रूव करेगा तो अब आपने देखा एका कनेक्शन सी से बन गया एंड दिस इज दी आंसर ये आपका दोस्तों बन गया आंसर समझ में आई बात तो मुझे बोले यस सर समझ गए डन ठीक है done. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ ठीक है ये सिक्स हो गया ये क्वेश्चन नंबर सेवन है डू इट चलिए इसको करेंगे दोस्तों ओके टाइम इज अप इसे पढ़ के देखते हैं दोस्तों कैसा बना इंडिया इज ऑलरेडी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स मिलेट्स बोला जाता है बाजरा को इंडिया ऑलरेडी क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है मिलेट्स का एंड दोच कैसीोच दोस्तों नाउन है नाउन से पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है बट यह डीपन वर्ब है गलत हो गया डैश अप्रोच विल फर्दर फोकस्ड विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए लेकिन फोकस्ड थर्ड फॉर्म है यानी डीपन आ जाएगा इधर कि आगे जो अप्रोच होगी वो डीपन यानी गहरा कर देगा हमारी प्रेजेंस को इन दी वर्ल्ड और जो फोकसड होगा ऑटोमेटिकली इधर आ गया यानी सी का डी के साथ चेंज होगा ऐसे करके तो कनेक्शन कैसे बना इंडिया इज ऑलरेडी दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मिलिट्स मिलिट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है एंड दी फोकस्ड अप्रोच जो होगी विल फर्दर डीपन आर प्रेजेंस हमारी प्रेजेंस को और डीप कर देगी इन दी वर्ल्ड ऐसे करके दोस्तों बन गया समझते जा रहे हो ना बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देखो बीस सेकंड में करते हैं अब ठीक है डू इट ट्वेंटी सेकेंड्स में दिमाग लगाएंगे ओके टाइम इज अप

कि जो बूस्ट मिला है बूस्ट का मतलब है किसी भी चीज में तेजी आ जाए वृद्धि well well जा पर, पर अब जैसे आपने कहा गया सस्टेनेबिलिटी पर सस्टेनेबिलिटी का मतलब चीजें लॉन्ग टर्म तक चलती जाए भले थोड़ा थोड़ा कम कम ग्रोथ हो लेकिन लॉन्ग टर्म तक चली जाए यही होता है सस्टेनेबल रहना है ना ऐसे करके इसको बन

इसका जवाब देंगे ओके तीस सेकेंड पूरा लिया अब ध्यान से इसमें समझते हैं दोस्तों द इंक्रीज एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन दीज सेक्टर्स इन सेक्टर्स में ये जो इंक्रीज हुआ डेवलपमेंट हुआ है डेवलपमेंट हुआ स्किल्स इन दीज सेक्टर्स विल गो अ लॉन्ग वे तो काफी लंबा समय लगेगा इसका टू अपग्रेडेशन टू लिखा हुआ है वर्ब चाहिए वर्ब चाहिए ये तो नाउन है टू अपग्रेडेशन एम्प्लॉयमेंट नहीं टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट देखो टू लिखा हुआ है ये आ सकता है यहां पर क्या टू इंक्रीज employment, employment को बढ़ाने के लिए तो अपग्रेडेशन ऑटोमेटिकली यहां आएगा जरा पढ़ के देखो the upgradation and development of skills. Skills का होना होना और development होना है ना इन दीज अ लॉन्ग वे इसमें लंबा समय लगेगा टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी फॉर यंग पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन के लिए का हाँ, सी के साथ बन गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है सीख रहे हो ना यस सर जरूर लिख देना सभी लोग दोस्तों सीखते जा रहे हो यस सर जरूर लिखते जाना अगले क्वेश्चन पे आते हैं ये रहा ठीक है डू इट इसको करेंगे दोस्तों ओके okay, दोस्तों टाइम इज अप समझ के देखते हैं कैसा बना हमारे सामने हमने देखा द बजट आउट लाइन्स यानी बजट इस चीज को बताता है आउटलाइंस अ बोल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी बजट एक आउट बजट मतलब बताता है आउटलाइन uh, करने का मतलब किसी चीज पे फोकस करता है बोल्ड मेरी मजबूत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सबको मिला जुलाकर शामिल करते हुए इंक्लूसिव सबको इंक्लूड करते हुए एक जो जो है 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 वो बताता दैट एंश्योर्स फॉर ऑल ध्यान रखता है हर किसी की प्रोस्पेरिटी को यानी कि सुख और समृद्धि को सेंटेंस इज एप्सोल्यूटली करेक्ट नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड तो सेंटेंस इज करेक्ट ऑप्शन नंबर ई जो है इसका आंसर बन जाएगा सीख कैसे करके बना अपना बढ़िया आ जाइए अगले अगली स्लाइड पे आते हैं <coughs> 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 सॉरी <coughs> अब दोस्तों टाइप का क्वेश्चन जो है वो है तो वही बट इसका थोड़ा सा टाइप बदल गया है अभी तक आपको पेयर दिए गए थे अब क्या है देखो वन टू थ्री ए बी सी दिया है और उसी को लिख रखा है या तो ये ए सी बी की फॉर्म में होगा कि पहले ए आएगा फिर सी फिर बी या बी ए सी की फॉर्म में होगा या बी सी ए की फॉर्म में या सी बी ए की फॉर्म में इन फॉर्म में होगा दोस्तों ये ऐसे करके इसको पहचानना होता है तो तीस सेकेंड लो इसके लिए पूरा सेंटेंस को समझो और फिर बताओ गलती होगी तो मैं आपको दोस्तों करेक्ट करूंगा डोंट वरी डू इट हो गया दोस्तों डन हो गया आंसर आ रहा है आप लोगों का सी आ रहा है और डी आ रहा है पढ़ के देखते हैं इन बोथ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर फैमिलीज अभी न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है कोई बॉम्ब नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब बट न्यूक्लियर फैमिली है जो फैमिली ऐसी होती है जहां पर पति पत्नी और बच्चे एक दो तीन चार जो है बस ये रह रहे हैं इसे बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली ज्वाइंट फैमिली होती है जहां पर दादा दादी अब ये उनके बच्चे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल तीन ये इनके लड़के हैं चाचा ताऊ और एक कोई बीच का फॉर एग्जाम्पल अब इनके भी बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल एक, एक, दो, दो, एक, एक दो, दो ये सब लोग एक साथ रहते हैं ये ये है। तो दोनों ही फैमिलीज के लिए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है डिटरमाइन यानी कि वो निर्धारित करता है द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ डिपेंडिंग चिल्ड्रन कि कितने डिपेंडिंग चिल्ड्रन अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ डैश चिल्ड्रन हैव इन दियर अर्ली लाइफ की अर्ली शुरुआत की ही उम्र में उनके पास कितने प्रकार का क्या होगा डिपेंडिंग सिग्निफिकेंट इंटरैक्शन अगर आप देखोगे तो इंटरक्शन आपका दोस्तों बन रहा है अगर ऐसे हो जाए द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ इंटरैक्शन चिल्ड्रन हैव कि किस कितने लेवल का इंटरक्शन जो है बच्चों का हुआ है अपने उन बड़े लोगों से इंटरक्शन होना बहुत जरूरी है दोस्तों द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ द इंटरक्शन चिल्ड्रन हैव इन देयर अर्ली लाइफ दिस ट्रांसलेट्स टू सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल एडवांटेजेस ये जो है इसे बदलता है काफी बड़े लेवल के डेवलपमेंटल एडवांटेजेस को डीप डिपेंडिंग दी हाउस होल्ड इन टू विच ए चाइल्ड इज ये इस पर निर्भर करता है कि कोई बच्चा कहां पर पैदा हुआ है या होता है तो आपने देखो दोस्तों यहां पर ऐसे करके लगा दिया तो यह यह यहां पर क्या हो गया डिपेंडिंग हो गया समझ गए बता depend डिपेंड का का काफी बार पूछ लिया जाता है कि कहीं अगर कोई वो डिपेंड ना, तो डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन या तो ऑन आती है या अप आती है और समझो दोनों ही करेक्ट होती है ऑन भी करेक्ट होती है और अप भी करेक्ट होती है सर आपको ब्लड रिलेशन आता है डी फोड हाँ नीरज सुन लिया मैंने डी फोड ब्लड रिलेशन सीख रहा हूं पुनीत सर से है ना <laughs> पुनीत सर से सीख रहा हूं ब्लड रिलेशन दोस्तों आ जाइए चलो ब्लड रिलेशन का चैप्टर कितने लोगों को अच्छा लगता है बताओ <laughs> ओके टाइम इज अप हम्म इतने में वैसे हो जाना चाहिए समझ के देखते हैं दोस्तों कैसे बना बट दीज आर्ग्यूमेंट्स लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इग्नोर द डेवलपमेंट रोल इग्नोर द डेवलपमेंट रोल जैसे आपने देखा डेवलपमेंट रोल रोल आपका नाउन है ना आर्टिकल दा लिखा हुआ है ये डेवलपमेंट रोल लिखा है ये नाउन है यहां चाहिए हमें एडजेक्टिव क्या चाहिए दोस्तों एडजेक्टिव चाहिए

सकता है डेवलपमेंट आ, आ गया क्योंकि यहां पर चाहिए दोस्तों नाउन और नाउन आपका ये रहा नाउन इधर आ गया यानी कि फाउंडेशनल इधर पहुंच गया फाउंडेशनल इधर पहुंच गया लो बन गया अब बन गया आपके सामने बट दीज आर्ग्यूमेंट इग्नोर द फाउंडेशनल रोल ऑफ स्कूलिंग इन नॉट जस्ट सोसाइटल डेवलपमेंट बट इक्विटी जेंडर पैरिटी एंड अ होस्ट ऑफ अदर कॉन्सिक्वेंश बल्कि कई सारी और भी ज्यादा कॉन्सिक्वेंशल शिफ्ट है तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा फिर सी आएगा यानी ऑप्शन नंबर बी है जो कि इसका करेक्ट आंसर बन गया है ठीक है चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं है ना परफेक्ट है समझ में आ गया ना दोस्तों एक बार यस सर बोल दो कि जी सर समझ में आ गया डन है ना बढ़िया आइए इस पे दिमाग लगाएंगे चलो दोस्तों शबाश करेंगे इसको ओके टाइम इज अप है ना समझते हैं वेदर इट इज इन लर्निंग फ्रॉम ट्राइबल कल्चर्स चाहे ये चीज सीखने वाली हो फ्रॉम ट्राइबल कल्चर्स

का काम है है ना उस पर निर्भर नहीं रह सकते जो कि क्या है ए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इस पर निर्भर नहीं रह सकते ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड लिमिटेड कॉम्पिटेंसीज ऑफ नॉलेज एंड असेसमेंट अगर आप यहां देखो तो लिमिटेड असेसमेंट होना चाहिए कि एक लिमिटेड ही असेसमेंट किया असेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों आकलन करना चीजों का आकलन करना हमने कहा ये ऐसे हो जाएगा लिमिटेड असेसमेंट ऑफ नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज कि कितनी नॉलेज है और कौन कितना कॉम्पिटेंट है कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि जब आप बता पाए कि कोई व्यक्ति के अंदर कितनी कितना ज्यादा उसके अंदर नॉलेज है जिससे कि दूसरे से फाइट कर पा रहा है है ना ऐसे करके दोस्तों हमने इसे लगा दिया समझ गए बोले जी यस सर तो अपना ए तो वहां रहा सी और बी लग गया ए आ रहा सी धर आ गया बी धर आ गया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन गया ठीक है सही है आ जाओ अपना सी दिमाग लगाते जाओ चलिए इसका जवाब देंगे डन हो गया चलो डन हो गया ना आइए समझते कैसे बना हमारा इट इज जियोग्राफिकल कह रहे हैं ये चीज जियोग्राफिकल है ओके दैट दीज फोर्सेस आर आल्सो एट वर्क इन क्लोथिंग एंड फुटवेयर कैटेगरी ये जो फोर्सेस हैं ये वर्क करती हैं आर आल्सो एट वर्क है इन क्लोथिंग एंड फुटवेयर कैटेगरी में एक सेक्टर ये एक सेक्टर है so, जैसे आपने एक सेक्टर है जो में एल करके दिया है, है। ठीक है? में होता है तो ये भी है। मुझे बताओ डेली आप हिंदू एडिटोरियल देखते हो कि नहीं? नहीं देखते हो तो लाइव देखो डेली लिखो यूट्यूब पर एडिटोरियल बाई विशाल सर और डेट डाल दो क्योंकि मैं वहां यह पहचानना भी बताता हूं देखो है ये आपकी वर्ब है इसका मतलब वर्ब की रिक्वायरमेंट है वर्ब बीच में आएगा, सी आएगा बीच आएगा वाले में ठीक है ए और सी ए सी आ गया बीच वाले में सो दैट विटनेस जिसने देखा है परहैप्स दर्जेस्ट फॉर्म डेथ रेट्स को यानी जो शायद सबसे ज्यादा बड़ी मजबूत डेथ रेट है ड्यूरिंग दी पैंडेमिक पैंडेमिक के दौरान क्रिएटिंग डैश प्राइजिंग पावर जिससे कि डैश प्राइजिंग पावर हो गई जियोग्रफिकल प्राइजिंग पावर हो गई जियोग्राफिकल प्राइजिंग पावर मतलब कोई एक चीज के दाम कहीं पर कोई जा बहुत ज्यादा है कहीं पर उसके दाम काफी कम है ये जियोग्राफिकल प्राइजिंग पावर हो गई फॉर बोथ दी सर्वाइविंग फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्म्स के लिए जो फॉर्मल फॉर्म्स भी थी फॉर्मल सेक्टर अपने देश का जो इनफॉर्मल सेक्टर था फॉर्मल वो हो गया जो कंपनीज हो गई फैक्ट्रीज हो गई इनफॉर्मल वो हो गया जैसे सड़कों पर जिन लोगों ने दुकानें छोटी छोटी लगा रखी है रेडिया लगा रखी हैं और ठेल बना रखा है तो वो आपके दोस्तों इनफॉर्मल में हो गया अच्छा अगर आप देखा जाए तो समझ में आ गया हमें एक चीज कि विटनेस दर चला गया और ये यहां पर आ गया इट इज कंसीवेबल यानी ये चीज समझने लोगे कंसीव का मतलब कोई चीज समझ लेना अंडरस्टैंड करना ग्रेस्प करना सो इट इज कंसीवेबल हो गया दैट दीज फोर्सिस यानी सबसे पहले बी आ गया आर ऑल्सो एट वर्क इन क्लोथिंग एंड फॉर डिवे कैटेगरी एक सेक्टर है जिसने किया है, है तो लार्जेस्ट फॉर्म ड्यूरिंग द देंडेमिक क्रिएटिंग जियोग्राफिकल प्राइजिंग जिससे कि जियोग्राफिकल प्राइजिंग क्रिएट हो गई जियोग्राफिकल प्राइजिंग पावर क्रिएट हो गई फॉर बोथ द सर्वाइविंग फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्म्स दोनों के लिए तो बी हो गया सी हो गया ए हो गया एंड दिस इज द आंसर ये क्या हो गया दोस्तों आंसर समझ में आया ना थोड़ा सा ये बड़ा था सेंटेंस बट आई थिंक आप सबको समझ में तो आया ही होगा कि क्या यहां पर हो रहा है ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं इसमें टाइम ज्यादा चला गया समझाया था कोई बात नहीं इसमें करें पहले तुम लोग उसका जवाब दोगे वैसे एक चीज़ की गड़बड़ हो रखी है यार वैसे मैंने हटाया था मुझे लगता है मैं सेव करना भूल गया और पी में बन गया ये टू यहाँ पर आ गया था सर टू नहीं यहाँ पर ठीक है <laughs> अब ये मत कहना सर बेईमानी कर दी बेईमानी नहीं करी अभी इसे देखो ठीक है टू हाथ असल में वहाँ है नहीं वो मैंने लगा दिया था आओ जरा समझते हैं राइट अप्रोच कह रहे हैं ये राइट अप्रोच होगी द गवर्नमेंट मस्ट इंप्रूव गवर्नमेंट को इंप्रूव करना चाहिए एंड ऑफ एग्जिस्टिंग इंप्रूव क्या करना चाहिए जब कभी भी सेंस आए इंप्रूव करना चाहिए क्या इंप्रूव करना चाहिए क्या का सेंस आएगा इसका मतलब वहां वो नाउन की रिक्वायरमेंट है सस्टेनेबल एडजेक्टिव है है ना बी एलई लिखा हुआ है इनश्योर वर्ब होती है एग्जीक्यूशन में आईओएन एन है यही नाउन है यानी ये आएगा यहां पर कि गवर्नमेंट मस्ट इंप्रूव एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट को क्या इंप्रूव करना चाहिए एग्जीक्यूशन इंप्रूव करना चाहिए है ना क्या इंप्रूव करना चाहिए एग्जीक्यूशन इंप्रूव करना चाहिए ए आ गया यहां पर ठीक है ए आ गया यहां पर यानी सबसे ये नहीं सॉरी बी की जगह यहां ए की जगह पर एग्जीक्यूशन आ गया तो हमने इसे लिखा कि यहां पर हम लिखा मस्ट इंप्रूव एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स इनको इंप्रूव करना चाहिए एंड आल्सो और क्या करना चाहिए तो मस्ट के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां एंड के बाद भी दोस्तों एंड आल्सो डैश तो यहां भी वर्ब चाहिए वर्ब एनश्योर तो और क्या करना चाहिए और एनश्योर करना चाहिए कस्टम्स ड्यूटीज कि जो कस्टम्स ड्यूटीज है वो लगी रहे ऑन इनपुट्स इनपुट्स पर दे आर लो इनफ फॉर दीज मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट्स के लिए वो काफी लो होंगी टू बिकम सस्टेनेबल जैसे कि वो सस्टेनेबल बन पाए सो बी ए सी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कितने लोगों ने लगाया था मुझे बताओ ये yes, सर पता चल गया था आंसर बी होगा ये बहुत अच्छी बात है पता चल गया था किसी ने फोन करके तो नहीं बताया था <laughs> कहो कि सर हम पहचान पा रहे हैं सीख पा रहे हैं है? पहचान पा रहे हैं सीख पा रहे हैं क्या सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि जी सर पहचान पा रहे हैं सीख पा रहे ठीक है <laughs> चलो ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20 अब देखो 16 से 20 में क्या है ये भी वर्ड्स को लेकर ही क्वेश्चन है अभी वर्ड्स को लेकर क्वेश्चन थोड़े अलग मैंने बनाए कैसे अलग बनाए दोस्तों देखो समझो जैसे यहां पर ए बी सी डी चार वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है अब आपको इसमें यह बताना है कि कोई एक वर्ड है जो कि गलत है एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिखा है स्पेसिफाइड हो सकता है स्पेसिफाइड ना आए यहां कुछ और आए हाँ शॉक्ड की जगह हो सकता है कुछ और आए प्रिवेंट की जगह कुछ और आए या की जगह कुछ और आए या आप जब सेंटेंस को पढ़ोगे और रीडिंग से आपको समझ में आएगा कि किसकी जगह क्या आएगा तो एक बार दोस्तों आप इसको पहचानने की कोशिश करोगे सबसे पहले आपको टाइम दे रहा हूं तेन एल एक्सप्लेन है ना तो इसे करते हैं दोस्तों डू इट एक बार जरा आप अपने अकॉर्डिंग इसे पहचानो डन हो गया बस क्या निकाला आपने ऑप्शन बी शॉक लिख दिया मैनेजर स्पेसिफाइड मैनेजर ने स्पेसिफाई किया दैट ऑल अदर गेट्स बी शॉक सारे के सारे गेट्स जो है उनको शॉक कर दो गेट्स को शॉक थोड़ी करेंगे इंसान थोड़ी कि, किसी को शॉक कर दिया पीछे से कर दिया धपा <laughs> नहीं शॉक नहीं करेंगे टू द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सन विदाउट टिकट ताकि उन लोगों को रोका जाए कि बिना टिकट कोई अंदर ना आए तो ऐसे के लिए हम गेट्स को शॉक नहीं गेट्स को लॉक करते हैं क्या करते हैं गेट्स को लॉक करते हैं है ना सो दैनेजर स्पेसिफाइड दैट ऑल अदर गेट्स बी लॉक सारे गेट्स लॉक होने चाहिए टू प्रवेंट दॉसिबिलिटी ऑफ पर्सन विदाउट टिकट्स ताकि बिना टिकट्स लोगों की अंदर एंट्री ना हो समझ गए हाँ, हाँ शॉक नहीं करेंगे लॉक कर देंगे समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन होते दे? हैं आप देखो अच्छा दिमाग लगा पाओगे आप ये क्वेश्चन लोग चलो टाइम इज अप समय खत्म हो गया दोस्तों कैसे करेंगे जरा ऐसे समझते हैं हमने कहा सिंस सारा डिड नॉट वांट हर हस्बैंड टू गेस द क्रिसमस प्रेजेंट क्योंकि सारा नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड गेस कर पाए कि क्या वो क्रिसमस प्रेजेंट देने वाली है क्रिसमस प्रेजेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट होता है यहां बिल्कुल उसका लॉजिक सही जा रहा है ठीक है जो लेकर वो जो शी हैड ब्रॉट हिम ब्रॉट हिम का मतलब है उस कहीं से कोई चीज लेकर आना ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म हो गई हम ब्रॉट नहीं शी हैड बॉट हिम जो उसके लिए उसने खरीदा है ये खरीदने वाला आना चाहिए तो ब्रॉट लिखा है बी आर आई एन जी ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी सेकंड फॉर्म बी आर ओ यू जी एच टी ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी यही होती है बी आर ओ यू जी एच टी तो हम इसको तो लगाएंगे नहीं ये ब्रिंग का मतलब होता है कोई सामान कहीं से लेकर आना हम बाय को लगाएंगे बी यू वाई बाय इसकी सेकंड फॉर्म बी ओ यू जी एच टी बॉट और थर्ड फॉर्म भी बी ओ यू जी एच टी पॉइंट समझ में आई ये बॉट होनी चाहिए और यही गड़बड़ा गई यहाँ पर तो हैड बॉट होनी चाहिए यहां पर ये हैड बॉट हिम

सही समझ में आया तो मुझे बोलो जी सर सीख तो गए हैं ठीक है ठीके? आ जाओ ये रहा क्वेश्चन नंबर अठारह इसको बताओ चलिए

दे एंडेंजर्ड डीप हेटरेड कि उनसे खतरा उत्पन्न हो गया डीप हेटरेड का डीप हेटरेड उत्पन्न हो गई और रिसेंटमेंट हो गया इन दी जर्मन पीपल रिसेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा आना और ये एंडेंजर है मैं आपको दो शब्द बताता हूं दोस्तों एक शब्द है ई एन जो यहां लिखा हुआ है ई एन डी ए एन G -E -R -E -D. endangered लिखा है Endanger की सेकेंड फॉर्म है endangered जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को खतरे में डालना है ना किसी भी चीज को क्या करना खतरे में डालना इसको कहा जाता है डेंजर करना और एक वर्ड होता है दोस्तों ender, G E एन डी ई आर अलग है ना डेंजर एक हो गया जेंडर्ड यहां एन एनजेंडर यूज होगा एन जेंडर की सेकेंड फॉर्म एन एनजेंडर्ड जिसका मतलब है कोई भी चीज उत्पन्न करना है ना कोई चीज उत्पन्न करना उत्पन्न करना इसे कहा जाता है एन एनजेंडर्ड तो हमने देखा दी रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्जेलीस वर सो सीवियर वो इतनी सीवियर थी दैट दे, दे एन डेंजर्ड की जगह एन जेंडर्ड आ जाएगा क्या हो गया क्या होगी वो एन हो गई डीप हेटरेड और रिसेंट में यानी उन्हें गुस्सा आ गया जर्मन पीपल के अंदर उनको गुस्सा भी देखने को मिला ये है दोस्तों बात क्लियर हो गया सबको तो मुझे बोले जी सर क्लियर हो गया है डन है परफेक्ट है क्लियर है डन है परफेक्ट है ठीक पर है आइए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं अगली स्लाइड 18 के बाद 19 देखो ओके टाइम इज अब देखो क्या मतलब है दी स्पीडिंग कार यानी तेज चलती हुई जो कार थी हेड दी गॉल टू स्विच फाइव लेन्स उसकी टक्कर हुई वैसे गॉल क्या होता है एक पर्सन के बिहेवियर को भी कहा जाता है जब किसी पर्सन का बिहेवियर खराब होता है बाकी स्पीडिंग कार अगर गॉल होगी बहुत तेजी से Hmm, करते हुए पांच लेन थी पांच की पांचों लेन वो पार कर गई रन थ्रू अ रेड लाइट रेड लाइट से होकर गुजरी एंड देन कट ऑफ पुलिस कार पुलिस कार से कट ऑफ होकर आगे निकली बिफोर फाइनली कमिंग टू स्टॉप फिर फाइनली वो रुकी ये फाइनली है बट हमें क्या चाहिए फाइनली एफ आई एन ए एल एल वाई जिसका मतलब होता है फाइनली आखिरकार है ना जिसका मतलब क्या है आखिरकार आखिरकार कोई चीज ऐसी हो गई बिफोर फाइनली कमिंग टू अ स्टॉप मतलब एक स्टॉप पर आकर इन फ्रंट ऑफ अ सी एक सी के सामने ऑफ फ्लैशिंग रेड लाइट जहां पर रेड लाइट फ्लैश कर रही थी ऐसे करके होता है और ये फाइनली क्या है कोई चीज सुंदर तरीके से की जाए है ना सुंदर सुस्पष्ट तरीके से सुंदर या फिर सुस्पष्ट तरीके से की जाए इतना सुस्पष्ट तो स्पष्ट मैंने भी नहीं लिखा लेकिन बहुत सुस्पष्ट जैसे कहते हैं हाउ आर यू आई एम फाइन तो फाइन से बनाया फाइनली हाउ डिड यू डू इट आपने ये कैसे किया आई डिड इट वेरी फाइनली मैंने बहुत सुंदर तरीके से किया ऐसे करके दोस्तों हमने लगाया सो वो फाइनली और फाइनली डिफरेंस समझ में आ गया सबको है ना तो गाड़ी कोई चलाता हो आप में से ऑब्वियसली चलाते होंगे स्कूटर चलाएं चाहे बाइक चलाएं चाहे कार चलाएं साइकिल चलाएं स्पीड को मेंटेन करके चलाना गाड़ियों में स्पीड आती होगी भूम करेंगे और गाड़ी उड़ जाएगी उड़ तो जाएगी तुम भी उड़ जाओगे ऐसे है ना तो बड़े ध्यान से अपनी सेफ्टी भी और दूसरे वाले की भी सेफ्टी भी है ना क्योंकि कई बार ऐसा होता है चाहे आप साइकिल चलाओ चाहे बाइक चलाओ आप चला तो चला चला तो लगता है सामने से गाड़ी आ रही निकल जाने के लिए ओ दिल की धक धक ऐसे भरती होगी और फिर लगता होगा नहीं यार इस बार बच गया मैं अब अब मैं कभी इतनी स्पीड से नहीं चला हालांकि शायद स्पीड आपकी उतनी ज्यादा ना हो लेकिन आपको लग रहा है कि निकल जाएगी मेरी निकल जाएगी निकल जाएगी और एंड वक्त पे थोड़ा थोड़ा बच के आप निकल गए बच गए आप पर आप हो गए आ रहे अगली बार नहीं चलाऊंगा तो यह सिचुएशन कभी आए ना आपके पास आराम से चलाइए भले आप कहीं जा रहे होंगे दो तीन चार मिनट के लिए लेट होंगे कोई दिक्कत नहीं है परमानेंटली लेट लग जाने से पहले थोड़ा लेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आ जाइए चलो उन्नीस हो गया मेरी एडवाइस है बिल्कुल ध्यान रखना कोई नई एडवाइस नहीं यार सब देते हैं एडवाइस ये वाली तो है ना लेकिन जरूरी है एज ए यंग गर्ल शी वॉज डिफिकल्ट एंड रिजर्व बट नाउ एज एन एडल्ट शी इज कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव बताओ क्या आएगा सी का, का यूज क्या है सी है यहां पर समुद्र के किनारे पर पहुंच गई वो गाड़ी वो था मतलब चलिए क्या बन रहा है बहुत सिंपल है एज डिफिकल्ट का मतलब ही नहीं है कोई यहां पर एक शब्द होता है दोस्तों डिफिडेंट डिफिडेंट का मतलब है कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस की कमी को कहा जाता है दोस्तों डिफिडेंट तो अगर बनेगा तो ये ऐसे बनेगा एज ए यंग गर्ल शी वॉज डिफिडेंट वो डिफिडेंट थी एंड रिजर्व थी रिजर्व का मतलब अपने अपने में रहा करती थी ज्यादा वो ओपन नहीं थी लोगों से बट नाउ एज एन रजल्ट एज एन एज एन शी शीज क्या वो कॉन्फिडेंट हो गया और असर्टिव असरटिव मतलब चीजों को बोलने वाले खुल के कहने वाले उसको हम कहते हैं वो असर्टिव है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं ये ट्वेंटी वन ये वो है देखो चेंज हो जाएंगे अब पेयर वाले आ, कह कहते हैं इंट्रोवर्ट नीरज कह रहा है मैं भी सबसे ज्यादा कमेंट बेटा तुम्हारे ही है। नीरज हैं नीरज कह रहा है मैं भी से ऐसे ही हूं सबसे जो अच्छा कहता है मैं बहुत शांत हूं वही सबसे ज्यादा उदम ही होता है है ना आ, ये आकाश बड़ा परेशान हो रहा है अरे पढ़ो यार परेशान क्यों होते हो जवाब दो डी आंसर दे रहे हो पढ़ के देखो अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड अगो बारह हजार साल पहले अवर एग्रीकल्चर डिसाइडेड हमारी एग्रीकल्चर ने डिसाइड किया था या हमारे एनसेस्टर्स ने डिसाइड किया था एनसेस्टर्स आना चाहिए कि हमारे जो एनसेस्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया था टू सेटल डाउन इन वेरियस प्लेसेस अलग अलग प्लेसेस में सेटल डाउन होंगे हमारे का मतलब पूर्वज जो रहे उन्होंने डिसाइड किया था मोस्टली लार्ज रिवर डेल्टास जो है वहां पर वो जो है कि एक तरीके से उन्होंने डिसाइड किया था कि वहां पर रहेंगे एंड बिगेन एग्रीकल्चर और वहां इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू करी एंड दी डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल कैटल होता है जानवरों को कहा जाता है पालतू जानवर मवेशियों को डोमेस्टिकेशन करना भी शुरू किया यानी कि उनको पालन पोषण भी शुरू किया जैसे भेड़ हो गई बकरी हो गई घोड़ा हो गया बैल हो गई गाय हो गई भैंस हो गई ऐसे करके ठीक है मुर्गी हो गई निशांत कह रहा सर ये लोग नशे में अरे भैया निशांत आज बड़े दिनों बाद मुझे तुम्हारा कमेंट देखा सर एस आर का बैच पेड़ दिखा रहा है बैंक महापैक के लिए फिर भी दिखा रहा है टेंशन मत लो गौरव अट्ठाइस तारीख से वो स्टार्ट होगा अभी सबको ऐसे ही दिखाएगा वो अट्ठाईस को जब बैच शुरू होगा बैच शुरू होने के एक और दो दिन पहले वो सबको एक्टिव हो जाएगा और सबके में फ्री दिखाने लग जाएगा जिनके पास बैंक महापैक है तो आप बिल्कुल चिंता मत करो उसकी ठीक है टेंशन बिल्कुल मत लीजिए उसके ठीक है होपफुली द कल्चर ऑफ पर्सनल हाइजीन कह रहे हैं आशा करते हैं कि जो कल्चर है पर्सनल हाइजीन का हाइजीन होती है साफ सफाई को कहा जाता है विच इंक्लूड्स टेकिंग शावर जिसमें क्या है डेली नहाना होता है रिसीडेड हैंड वॉशिंग हाई हैंड वॉशिंग को कम करना नहीं कम कर दोगे हैंड वॉशिंग को तो फिर ये कैसे मतलब ये फिर वो कैसे हो गया कि हाइजीन हो होगी नहीं सो प्रैक्टिसिंग हैंड वॉशिंग होना चाहिए यहां लगना चाहिए यहां पर आना चाहिए प्रैक्टिसिंग हैंड वॉशिंग हैंड वॉशिंग को प्रैक्टिस करना अवॉइडिंग स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस, कहीं भी पब्लिक तो तो को हाँ। दिस दिस मतलब कम, कम होना जब इसका जो थ्रेट है वो कम हो जाएगा ना उसके बाद भी ये सारी की सारी चीज जो है वो जरूरी है रहना ठीक है परफेक्ट है डेली मेंस का क्लास भी होगा पेड बैच में अभी मेंस नहीं होगा लेकिन जैसी मेंस प्री कंप्लीट होगा प्री कंप्लीट होने के बाद फिर मेंस होगा ठीक है बिल्कुल होगा दोनों ही है उसमें दोनों ही पहले प्री फिर मेंस तुम लोग तो नहीं थूकते हो ध्यान रखना एक केस हुआ था एक बार ऐसे एक आदमी ने थूक दिया था कोई पान मसाला खा के पुलिस ने उसको साफ करवा लिया था पुलिस शरीफ थी तो हाथ से साफ करवाया था उससे वरना कोई और होता तो मुंह से साफ करवा थूका है साफ कर है गलत बात है भाई कहीं भी थूक दिया ना चलिए दोस्तों टाइम इज अप समय खत्म हो गया इसे समझते हैं इट इज ऑब्वियस एक चीज बिल्कुल ऑब्वियस यानी क्लियर है दैट गवर्नमेंट कैन मेक क्विक एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि गवर्नमेंट क्विक और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकती है आवर सोल्यूशंस कैन पुट इन प्लेस इफेक्टिव स्टेप्स हमारे जो सोल्यूशंस हैं जो दिए जाएंगे वो इफेक्टिव स्टेप्स हो सकते हैं प्रोवाइडिंग द साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ आर कंट्री एंड वर्ल्ड इन डेस्पाइट एंड टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्या बोल रहा है well और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन well कैसे हम चलाएंगे ये क्या है अच्छे इफेक्टिव स्टेप्स हो सकते हैं इसके डिस्पाइट द साइज एंड डायवर्सिटी ऑफ आर कंट्री हमारी कंट्री की साइज और विविधता होने के बावजूद भी, भी चेंज हो रहा देखो डिस्पाइट दी ऑफ आर कंट्री कैन लीड द वर्ल्ड इन इन प्रोवाइडिंग यूजफुल एंड टाइमली सोल्यूशन एंड इंफॉर्मेशन अब वो इसको यूज कर सकते हैं प्रोवाइड करने में तो क्या बना ए का डी के साथ बना बी का सी के साथ बना एडी बी सी यही दिया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बन गया ऐसे करके समझ गए परफेक्ट है ना आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं ट्वेंटी फोर चलिए जवाब देंगे इसको चलिए टाइम इज अप इसको जरा दोस्तों हमने पढ़ा देखो ऑल कंट्रीज हैव ट्राइड सभी कंट्रीज ने कोशिश की है टू एनफोर्स बॉर्डर कंट्रोल्स कि बॉर्डर कंट्रोल्स को एनफोर्स किया जाए टू स्टॉप वायरस ताकि वायरस को रोका जा सके विच जिसने ऑल्सो ये दिखाया है यानी कि इसकी futility का मतलब होता है जब आप time waste करते हैं ऐसी चीजों पर जिसका कोई यूज नहीं है उसे कहा जाता है फ्यूटिलिटी उसे क्या कहा जाता है फ्यूटिलिटी तो, तो इसमें तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं ऑप्शन नंबर ई हो गया करेक्ट आंसर कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुआ एक कमेंट बार बार आ रहा है सर प्राइस कम कर दो महापैक का प्लीज रिक्वेस्ट है आप इतना ही कर रहे हो तो एक काम करो आप कॉल कर दो मैं आपको फ्री में दे दूंगा मत करो आप मेरे को कॉल कर लेना मैं आपको फ्री में दे दूंगा ठीक है आप उसकी चिंता मत करो मैं आपको बताऊं दोस्तों जीवन में इससे पहले जहां जिस कंपनी में मैं था दोस्तों आठ हजार रुपए की फीस हुआ करती थी तो जब टीम एवीपी मैं अरुण सर अभिजीत सर पुनी सर हम चारों लोगों ने सोचा कि शुरुआत करेंगे आप कोई बताया भी था अपना एक प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे थे जहाँ बच्चों के लिए बहुत सस्ती एजुकेशन करना चाह रहे थे आठ हजार से तो उस आठ हजार वाली एजुकेशन को दोस्तों हम लेकर आए और शुरुआत में हमने दो हजार रुपए की रखी आठ हजार वाली एजुकेशन दो हजार रुपए में ताकि वो खर्चा निकल आए जो चलता है और साथ में हर वो बच्चा साल भर में पढ़ेगा साल भर सारे एग्जाम्स पढ़ता रहेगा उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हम दो हजार भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हमने उनको फ्री में दे दिया अब आठ सौ रुपये की एक क्लास रखी गई थी कि यार जितने बच्चे हैं हमारे पास है रख लो अब हर एक चीज के लिए हम कंपनी में हम नौकरी करते हैं है ना पीडब्ल्यू में नौकरी करते हैं हर एक चीज के लिए हम ये नहीं कह सकते ना कि नहीं इसको और कम कर, कर दो अब और कम कर दो अब प्राइस अभी टू फोर डबल नाइन है तो देखो दोस्तों कुछ चीजें हमारे हाथ में होंगी कुछ चीजें नहीं बट हां ये कंपेयर करके देखो जो क्वालिटी एजुकेशन अगर सब बच्चे पहले तारीफ करते थे विशाल सर उन सर आप अच्छा पढ़ाते हैं फायदा क्या हम लोगों के अच्छा पढ़ाने का कि अगर आप तक पहुंच ना पाए एजुकेशन और रीजन उसका क्या हो पैसा कारण बने मैं आपको एक चीज बताता हूं हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही जैसे एग्जाम्पल देता हूं बहुत सारे बच्चों को लगता है कि फीस ज्यादा है तो उसका एक ज्यादा का एक जवाब ही होता है कि यार आप फॉर्म भी तो भरोगे इस फॉर्म भरने की फीस आठ सौ रुपए है एक फॉर्म भरने की फीस आप मिनिमम एग्जाम दोगे साल के दोगे आठ छः अड़तालीस पांच हजार रुपए तो आपकी एग्जाम फीस है तो जो चीज आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है उसमें चौबीस सौ रुपए आप नहीं खर्च कर रहे हैं जहां इंटरव्यू अकेले अकेले के लिए दो दो हजार रुपए लोग फीस लेते हैं लोग वहां पे करते हैं बट इसका मतलब ये नहीं मैं बिल्कुल समझ सकता हूं अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप करोगे क्या रोना नहीं है किसी के सामने नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं मेहनत करो ट्यूशन पढ़ाओ जो काम कर सकते हो वो काम करो मैंने भी दोस्तों बहुत मेहनत करी है मैंने ट्यूशन पढ़ाए मैं जूते की फैक्ट्री में काम करता था सोल अलग अलग करने होते थे चार सात नंबर के अलग आठ के अलग छ के अलग कर करके कर, 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 कर सिर्फ उसमें बोरी में भर भर के रखने होते थे मैंने कहा ठीक है कर लूंगा क्या दिक्कत है हेल्पर की नौकरी है उन्हें लगा नहीं पढ़ा लिखा है चलो एक काम कर दो कंप्यूटर वाला काम दे दो मैंने कहा ठीक है वो कर लूंगा छह महीने किया छोड़ दिया मैंने मुझे जरूरत थी मैंने वो भी किया मुझे जरूरत थी तो मैंने टाइपिंग की नौकरी भी करी जरूरत थी ना आपके माता पिता ने आपको इतना बड़ा कर दिया अब आप किसी के सामने इतना रोइे मत फिर भी कोई रोता है मेरे को कॉल कर लिया करो मैं बहुत लोगों को दिलवाता हूं आपको भी दिलवा दूंगा आप चिंता मत करो बट आप ऐसे इतना परेशान मत हो सबके लिए आपको जन्म मिला है आपके माता पिता ने आपको इतना बड़ा इस लायक बना दिया कि आप नौकरी लेने आप अब अब आ गए हो आपको पढ़ने के लिए फिर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े बहुत गलत बात है कभी मत करना क्योंकि ये अभी तो अभी की बात है फ्यूचर में बहुत होगा बहुत होगा फ्यूचर में ना हम तो दे भी देंगे मैं तो दे भी दूंगा हर महीने में कोशिश करता हूं दो चार पांच दो चार पांच बच्चों को मैं फ्री में कुछ दे पाऊं वो मेरे अपनी सर्विस देकर मेरे को ये खुशी मिलती है कि फ्यूचर में जब उस बच्चे का सिलेक्शन होता ना वो और उसका पूरा परिवार मेरे को दुआएं देता है कहते यार वो टीचर उसने मैंने कुछ नहीं कराया बट शायद आज उसको जरूरत थी लेकिन मैं समझाता फिर भी सबको हूं कि आपको जितना हो सके सारी चीज़ों में आपके पास पावर है हाथ पैर मजबूत है करो ना मेहनत करो आपको पढ़ाना है पढ़ाओ पढ़ाने के साथ साथ आप दो चार पैसे कमाओ अपने लिए भी कमा लो पूरा समय मत दो और पढ़ो पढ़ो मां बाप ने आपको बहुत आगे ले गया आगे की जिम्मेदारी आपकी है ठीक है तो ऐसे ऐसे आप किसी और के सामने मत करना और बाकी बात यार पढ़ने की फ्री कंटेंट इतना स, इतना ज्यादा है यूट्यूब पर पढ़ो इस्तेमाल करो करो ना ठीक है तो मेरे को कॉल कर लेना जिस भी बच्चे ने जिसने भी कहा मैं आपको करवा दूंगा बट अब ये मत कहना कि नहीं सर हम वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते यूट्यूब का तो रिचार्ज करवाते हो ना महीने का तीन सौ रुपए के आसपास का तो होता ही होगा ना साल भर का कितना हुआ भारतीय छत्तीस छत्तीस सौ रुपए का यूट्यूब का इंटरनेट का रिचार्ज करवा लोगे चौबीस सौ रुपए की जो फीस है उसके लिए दिक्कत होती है जो कि आपका भविष्य निर्धारित करेगी इतने बड़े बड़े सारे टीचर सारी टेस्टरी सबको तो देखो थोड़ा सोचा करो खर्चे तो है जीवन में आए हो तो खर्चे तो होंगे और खर्चे होंगे तो क्योंकि आपको शरीर मिला है मेहनत करो दिमाग लगाओ ज्यादा नहीं तो उतना कमाओ जिससे आपकी जीवन चले यार बढ़िया मत रोया करो आप ऐसे टेंशन नहीं ठीक है मेरे को कॉल कर लेना मैं करवा दूंगा आप चिंता मत करो चलो ट्वेंटी फोर के बाद ट्वेंटी फाइव व्हाट्सएप मैसेज डाल देना मैं मैसेज ना देखूं एक दो दिन का वेट कर लेना सबके देख लेता मैसेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव चलो इसका जवाब दो परेशान नहीं होगा कोई ठीक है टाइम इज अप समझने की कोशिश करेंगे एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड से पड़ो बिल्कुल टेंशन लेते हुए नहीं हां मीगर का मतलब होता है लिटिल देखो एज इट फाइट कोविड 19 क्योंकि ये फाइट लड़ता है कोविड 19 से विद इट्स हॉल्ट हेल्थ केयर रिसोर्सेज कैसे हेल्थ केयर रिसोर्सेज ये मीगर हेल्थ केयर रिसोर्सेज मीगर का मतलब होता है बहुत कम जो होते बहुत छोटे बहुत कम लिटिल उसके लिए लगाते हैं मीगर तो मीगर लगा यहां पर तो हॉल्ट आएगा यहां पर मीगर हेल्थ केयर रिसोर्सेज से इंडिया हैज चोजन टू तो ब्रिंग द इकोनॉमी इंडिया ने चूज किया कि वो इकोनॉमी को लेकर आएगी टू तो अ नियर हॉल्ट एकदम बिल्कुल रुक जाएगी इससे इकोनॉमी विद नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी लाइफ कैन बी सेव इन दिस मैनर और इसमें कोई आइडिया नहीं है कि कैसे लाइफ सेव की जाएगी तो वो लॉकडाउन वाली सिचुएशन को लेकर दिया हुआ है सो ए का सी के साथ बनेगा एंड दिस इज दी आंसर ठीक है ये आपका बना आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पर आते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जवाब देंगे दोस्तों पीडीएफ नहीं मिल रही पीडब्ल्यू एप पर नीरज मेरे दोस्त क्लास खत्म होगी दस मिनट वेट करना फिर मिल जाएगी जहाँ नहीं हो रही होगी नहीं शो रही होगी मैं खुद पर्सनली चेक करवा लूंगा जहा नहीं होगी डलवा दूंगा आप टेंशन नहीं लो ठीक है जवाब दो इसका चलो टाइम इज अप समझ के देखिए क्या बना द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ लार्ज कोविड नाइनटीन है लार्ज नहीं कॉम्बैटिंग कॉम्बैट combat का मतलब होता है ना फाइट करना कॉम्बैट का मतलब क्या होता है फाइट करना ठीक है ये फाइट करना होता है कॉम्बैट का मतलब तो हमने क्या बोला द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ कॉम्बैटिंग कोविड नाइनटीन कैन बी रिड्यूस इसको रिड्यूस किया जा सकता है बाय ओ अरे यार ये मैंने गड़बड़ कर दी नहीं नहीं ठीक है 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 बाय कंबाइनिंग डैश टेस्टिंग कैसी टेस्टिंग अग्रेसिव टेस्टिंग यानी बहुत तेजी से टेस्टिंग की जरूरत है बाई कंबाइनिंग अग्रेसिव टेस्टिंग एंड आइसोलेशन आइसोलेशन में रखा जाए अकेला कर दिया जाए एक स्ट्रेटेजी है जो प्रपोज की गई ये स्ट्रेटेजी जो प्रपोज की गई बाय इकोनॉमिस्ट पॉल रोमर के द्वारा फॉर द यूएस फॉर इट टू वर्क ये काम करने के लिए पीपल मस्ट बी टेस्टेड लोगों का टेस्ट होना चाहिए इन लार्ज नंबर्स भारी संख्या में लोगों की यहां पर टेस्टिंग होनी चाहिए समझ में आ गया दोस्तों कैसे करके बनाए एक कॉम्बैटिंग था कॉम्बेटिंग की जगह फाइट मैंने लिख दिया इसका मतलब है फाइट ठीक है ये करके आपका बन गया सही है ये वाला बन गया ए का डी के साथ बी का सी के साथ लो अगले क्वेश्चन पे आओ ये क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन देंगे जवाब इसका जवाब एक काम करो होमवर्क में दो बस बहुत है ठीक है ये जवाब दोगे आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर सेवन है अरे यार जवाब तो दिख गया ट्वेंटी होमवर्क में कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे ये ट्वेंटी नाइन है इसको भी कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे ये थर्टी एट है इसको भी कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिए इसके जवाब आप कमेंट में दोगे वीडियो खत्म होने के बाद ठीक है अब मेरी बात सुनो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना कैसे डाउनलोड करोगे पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड करो ऐप डाउनलोड करने के बाद बैंकिंग सेक्शन पे जाओ वहां सर्च करो युग मेरी क्लास आपको दिख जाएगी इंग्लिश के सेक्शन में जाना वहां पर आज का सेशन देखेगा उसी के नीचे पीडीएफ होगी आप पीडीएफ कर लेना डाउनलोड ये है तरीका डाउनलोड करने का डेली सुबह आठ बजे वाली क्लास जरूर देखा करो क्योंकि मॉर्निंग की जो क्लास आठ बजे वाली होती है ये होती है द हिंदू एडिटोरियल आप में से वो सारे बच्चे जो नए हैं जिनको नहीं पता तो दोस्तों इस सेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी इंग्लिश अगर इंप्रूव करनी है तो यह बहुत मैंडेटरी है सबसे पहली चीज आप दोस्तों वोकैबलरी यहां से इंप्रूव करते हो दूसरी चीज आप यहां से रीडिंग जो है एबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है तीसरा जो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन आता है जीए वाला वो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन है वो आपका इंप्रूव होता है ये तीन चीजें इंप्रूव होंगी अब वोकैबुलर

कुछ प्लान कर रहा हूँ वो आज शाम तक रहेगी तो अभी लाइव वाली जो क्लास है वो दोपहर वाली है आप उसमें हम मिलते हैं ठीक है तब तक लिए बाय बाय टेक केयर लव जै जै यू ऑल जय हिंद जय भारत थैंक यू वेरी मच थैंक यू